मेरो सपना की परी यहाँ जादूगरी नाओ मेरो सामो घरी घरी यहाँ ना ना तारी का कुड़ा चलछम चलछम मेरो मन बारी बारी। हाँ ठीक है, सुशांत का गाना। सुशांत ऑस्ट्रेलिया टूर कर रहा है, हम यहाँ पे अपना लाइव एंजॉय कर रहे हैं। बोलता बोलता थक गया, इंडिया आ जाओ इंडिया आ जाओ। नहीं आता ही नहीं। अरे कभी नेपाल में परफॉर्म करके बोल दो यार, कर रहे मैं आ जाऊंगा यार। बट जस्ट इन केस तुम ऑस्ट्रेलिया हो, तुम सुशांत और स्वप्ना का टूर एंजॉय कर सकते हो। ऑलवेज प्लग, ऑलवेज प्लग। चल मैं सही बोल रहा हूँ यार, जिंदगी से परेशान हो चुका हूँ। मतलब मैं अपने रिश्तेदारों के घर पे गया और साले मुझसे पूछते, बेटा खीर खाओगे कि हलवा? आपके घर में एक ही कटोरी है। पता नहीं मम्मी ऑफेंड हो गई यार। बेल्टे बेल्टे मारा, बेल्टे बेल्टे, जबकि वो बेल्ट पहनते भी नहीं, अंकल से निकाल। क्या घटिया जोक मिल रहा हूँ मैं ओपनिंग के साथ ही। अच्छा कोई दिक्कत, एक घटिया जोक है ना, दूसरा अच्छा वाला है, ये वाला अच्छा पक्का। तो एक बार मैं अपनी बंदी के साथ रूम में था अकेले, उसने मेरा देखा, वो पागल हो गया। तुम्हारा इतना बड़ा किसे है? मैंने उसे बताया कि मैं बहुत गरीब फैमिली से हूँ, हम शुद्ध गरीब है, तो बचपन में ना खेलने के लिए खिलौने नहीं थे मेरे पास। Please don't blame me. मैं क्या करूं, तुम आए हो इस वीडियो पे, मैं तो ठर गई हूं। और अगर तुम्हें यकीन नहीं, वीडियो शुरू होने दो तो मैं पूरा भरोसा हो जाएगा मैं ठर गई हूं, समझ गए? चलो ना शुरू करते हैं ब्रो। और क्या यार, मतलब तुम खुद ही देखो ना कि गेम ऑफ थ्रोन्स का सेकंड एपिसोड आया, पहले एपिसोड की बात तक नहीं करी मैंने, सेकंड एपिसोड ये ला। हाँ आई नो मैं थोड़ा लेट हूँ क्योंकि मैंने आज देखा ही है, वीडियो बनाने से पहले मैं वही देख रहा था। पूरे एपिसोड में बहुत अच्छी बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी, बट मेरे और तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही सीन चल रहा होगा, पता है तुम्हें कौन सा? अरे व्हाट यू डिड यार। पहली चीज अगर तुम मुझे ठरकी समझ रहे हो, मैं ठरकी नहीं हूँ, मैं पूरे सीन के अगेंस्ट था और मैं सरप्राइज नहीं था क्योंकि मुझे पता था बचपन से ठरकी यार, या ब्रोसियना का पार्ट है। अबे सीजन 2 से ब्लाइंड मारी थे लौंडे पे यार, और दुनिया खत्म होने वाली है, मर्ने वाली है लड़की एक दिन बाद, और मैं ब्लेम नहीं कर रहा आर्या को, मैं ब्लेम नहीं कर रहा, बट सीरियसली यार अब लाइन मारी थी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो बॉलीवुड की तरह दिखा दो ना, दो फूल खत्म, सब समझ जाते क्या हुआ। मैं ब्लेम करता हूँ डायरेक्टर्स को, आर्या वो लड़की है, मतलब क्योंकि मैंने देखा नहीं था, और जब वो मैं पर्दा बंद कर, गेट बंद कर, कैमरा रखा हुआ सामने, गेट बंद कर, सुना ही नहीं, सब तुम और मैं उतर जगह पे, लड़के की जगह पे, और हमें पता होता कि आर्या फेस चेंज कर सकती है, मतलब बॉडी ट्रांसफॉर्म कर सकती है। ए आर्या सेकंड टाइम के लिए किम कैडर्शन बनना, काइली जेनर, अपने को कुछ भी चलेगा, बस तू अपना फेस हटा ले, बच्चे वाली फीलिंग आ रही है निकल बे। I mean, seriously, man. क्या? कुछ भी यार, और मैं डिसअपॉइंटमेंट दिखा रहा हूँ, I know, मजाक में दिखा रहा हूँ। That's the girl, man. A girl is not virgin anymore. He's a bitch of a son. और डायरेक्टर का दिमाग में पता क्या होगा यार, ऑडियंस ने सब कुछ देखा, इसका बचपना देखा है, गम देखे है, स्ट्रगल देखी है, ये ले सेक्स भी दिखा दे। नहीं देखना मेरे को, सीरियसली मेरे को इतना बुरा लग रहा है ना, अरे कोई ऐसा बुरा, मतलब वो वाला बुरा नहीं भी, पता नहीं अच्छा नहीं लगा यार, मतलब इतने सेक्स सीन देखे गेम ऑफ थ्रोन्स में कभी इतना बुरा फील नहीं हुआ मेरे को यार, अजीब सा फील हुआ। अरिया यार अपनी अरिया, इतनी सी थी, इतनी सी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत था या कुछ भी था, ठीक है स्टोरी की डिमांड दे कर दिया, बट पॉइंट ये है अगर तुम्हें सेक्स दिलवाना था किसी को सीरीज में तो सांसा को दिलाते, बिचारे को कभी ढंग का सेक्स नहीं मिला, जब देखो खुड़ी रहती है साली, अच्छा सेक्स दो उसे सेटिस्फाई करो, फिल्म तो चलती रहेगी वे। बच्चियों को कहां औरत बना रहे हो यार तुम, ज्यादा हो गया। कौन है ये लोग? लौंडा शर्म तो आनी रही होगी तुम्हें, मतलब जो लड़के हमारे सामने बड़ी हुई उसको भी सेक्स मिल गया, तुम अभी भी मेरे को देख रहे हो, अबे जाओ कम से कम पौंड देख के हिला लो, जिंदगी बर्बाद लग रही है तुम्हें। बट सीरियसली अरे यार ये क्या चल रहा है यार, मैंने वो सीन देखा ना, मेरे अंदर की आलिया भट्ट जग गई बे, हमसे बर्बाद कोई नहीं है ना, नहीं दूसरी वाली भी जगी थी, मुझको घर जाना है, फिर ऐसा घर में बैठ के देख रहा हूँ पायरेटेड वर्जन। कौन बोला रे? मैं नहीं बोला।
और आई नो 1% ऑडियंस है जिनको पता नहीं मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स कभी देखा नहीं। पता है ये वही लोग होते हैं जब तुम इनसे पूछते हो ना मार्वल और डीसी, इनका एक जवाब होता है सविता भाभी कॉमिक्स। चुप है, चुप साले। मतलब इतना सही सीरीज चल रहा था भाई, ब्रेंडन स्टार्क और जेमी लेनेस्टर मिल रहे हैं, पूरी सभा बैठी हुई है, बच गया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मुझे लगा ये लिटिल फिंगर की तरह इसका भी गला कटेगा, बट नहीं कटा, बहुत अच्छी बात है, I'm proud of that। जॉन स्नो ने खलीसी को बता दिया बेटा तेरा नंबर नहीं मेरा नंबर है, राजा तो मैं ही बनूंगा, माँ किधर है? नहीं वो इम्पोर्टेंट नहीं, अधूरा लोगों का ध्यान कहाँ है? अरिया! बट यकीन ये मेरे इमोशंस हैं। मैं बताता हूँ, द ओनली रीजन मुझे हैरी पॉटर पसंद आती है वो इसलिए क्योंकि वो एक जर्नी है, बचपन से लेके बड़े होते हुए देखा है उनको हमने, और इसलिए बहुत वियर्ड सा लगता है मुझे कि कर रहे हो पता है काफी है, देखना नहीं है सामने सामने जाके भाई। सो जिसने भी ये डिसीजन लिया था ना ये सीन आएगा मैं बोल रहा हूँ साले बहुत गलत शूट किया, डायरेक्टर का फॉल्ट है। चल मैं दो फूल दिखा दे खत्म की कहानी, फूल कहाँ से आएंगे वहां पर मुझे नहीं पता, लेके आना था तुमने, नहीं देखना था यार मुझे वो। मतलब यहाँ पे आर्या सीन कर रही है और मुझे शांता की फिक्र होगी, दिल से गाया मैंने उसके लिए, कसरी बारो ती मिलाए तिम्रो आँख में उठा जादू छा तिम्रो मुस्कुराने परमा उठा बिगले ने अभाष छा खैता तिमले बुझ को कि न मुट्टू मेरो चोरे को। ठीक है फिर से नेपाली गाना, स्वप्न सुमन ऑस्ट्रेलिया परफॉर्म कर रहा, हम क्या करें यार, मैं बोलता रह क्या, इंडिया आ जाओ नहीं अरे नेपाल में शो करके बुला ले यार, मैं आ जाऊंगा। क्या घटिया अपना को मार रहा है, बट जस्ट इन केस ऑस्ट्रेलिया में स्वप्न एंड सुशांत दोनों ऑस्ट्रेलिया टूर कर रहे हैं, सो अगर तुम देखना चाहो ने देख सकते हो, ट्रस्ट मी इट्स अमेजिंग, क्योंकि मैं स्टोरीज फॉलो कर रहा हूँ, मुझे बहुत तरह सारा अपने आप पे कि मैं नहीं हूँ वहाँ पे, नेपाल होता है मैं एक पल के लिए सोच लेता हाँ नेपाल टूर चल सकते हैं, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के लिए पासपोर्ट बनाना पड़ेगा यार, उसमें भी बहुत टाइम लगेगा, तब तक टूर खत्म हो जाएगा। तुम्हारे पास ऑप्शन है देखने का भी, देख लो भाई, बोल रहा हूँ अभी भी, स्टॉप इट, गेट सम हेल्प। बट अगेन ये मेरे ओपिनियन, फील फ्री टू लेट मी नो तुम्हारा क्या फेवरेट पार्ट था, क्योंकि मेरे को लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वही था कि जब जॉन स्नो ने खलीसी को बताया हाँ तेरा नंबर नहीं मेरा नंबर है माँ की दर है, मतलब लिटरली तुम सोच रहे हो उस लड़की को कैसा फील आया होगा जिसने जब से सीरीज शुरू हुई है तब से लेके आज तक वो लड़की सिर्फ आयरन थ्रोन चाह रही है, अबे भैंसो बनवा ले रोड पे, चाहिए सात तो किंगडम, चाहिए आयरन, आयरन पे बैठना साली को, और उसे एंड में पता चलता है अरे ये तो मैं गलती से आ गई, मेरा नंबर ही नहीं है, मैं फालतू की लड़ाई लड़ रही हूँ, हक तो इसका बनता है। बट मेरे को बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है खलीसी मरेगी, आर्या स्टार्क भी मरेगी, टायरन बचेगा, टीरियन, टायरन, कोनन, एक तो साला नाम भी ऐसा ऐसा रखते हैं ना बेंचो, अपन इंडिया लोग बेंचो, अपना इंडिया में नाम ढंग से नहीं ले पाते, तुम्हें पता सिर्फ एक बंदी का नाम ही लेता हूँ आर्या, क्योंकि बोलने में आसान होता है आर्यंस, वहां से ड्रिफ्ट है, या आर्या से आर्यन बना, क्या बकवास कर रहा हूँ मैं। बट अगेन ये मेरे इमोशंस है, मतलब ये ओपिनियन में नहीं, मेरे इमोशंस है ये सीरीज से, बिकॉज आई लव दिस सीरीज, और मेरे को लगता है बहुत सारे लोग मेरे साथ एग्री करेंगे कि वो एक पूरी जर्नी हमने एंजॉय करी उनके साथ, उनको बड़े होते हुए देखा है, और हर एक कैरेक्टर से हमारा कोई रिश्ता बना पड़ा है। सो ये सीन मुझे थोड़ा सा और लगा, बहुत ज्यादा और लगा, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा और लगा, बट अगेन ये मेरे इमोशन है, फील फ्री टू लेट मी नो तुम्हारी क्या फीलिंग थी, क्या तुम मेरे साथ एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो, क्योंकि क्योंकि जहां पे मैं इस चीज को लेकर डिसअपॉइंटेड हूँ वहां पे मैं एक और चीज को लेकर डिसअपॉइंटेड हूँ, एंड शायद तुम्हें पता है वो चीज क्या है। एक तरह का समझ में नहीं आता यार, इतने सालों से हम लोग वेट कर रहे हैं इस पार्ट का और आ गया, फिर एक हरामी आता है जो हॉल में जाके पायरेसी करता है और पूरी एंडिंग एंड गेम की लीक हो गई है। Why are we still here? तुम मुझे रोक भी नहीं सकते साले, तुम्हें पता है जब से लीक हुआ है ना मेरे को मैसेज पे भाई लीक हो गया भाई फुटेज, अरे नहीं चाहिए यार, नहीं चाहिए मेरे को। द ओनली रीजन मैंने अभी तक एंड गेम की टिकट बुक नहीं करी क्योंकि मैंने कैप्टन मार्वल नहीं देखी, मुझे कैप्टन मार्वल देखनी है, उसके बाद ही मैं एंड गेम देख सकता हूँ, और प्लस मेरा टाइमिंग मैच नहीं कर रहा, तो मैं वेट कर रहा हूँ कि नेटफ्लिक्स पे आ जाए, आप हॉटस्टार पे आ जाए, या अमेजोन पे आ जाए, कहीं पे भी आ जाए, बस देख सकूं मैं अच्छी क्वालिटी में, बेकार पायरेटेड क्वालिटी नहीं देखता मैं। कौन बोला पायरेसी, स्टॉप पायरेसी मदरफकर्स, साला एंड गेम की फुटेज भेज दिया किसी ने मेरे को, और फिर वही है ना इतना सख्त थोड़ी हूं मैं, मैंने देख ली। बट एक और बात बोलता हूँ कि हाँ पता तो है ही एंड में क्या होना है, थैनोस मरेगा, ये तो सबको पता है, बट कैसे मरेगा और कैसे क्या होता है वो देखने लायक है, और लिटरली जो लीक फुटेज में इतना बवाल मचा रहे कुछ है नहीं उसमें गिव अवे करने लायक, हाँ पता चल गया क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, बट सर्टनली मैं पूरी फिल्म देखने में अभी भी बिलीव करता हूँ, और कैप्टन मार्वल बस देखना मुझे, उसके बाद मैं एंड गेम देखने जाऊंगा। मैं सीरियसली कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ जिसने भी ये चूतियापा करा है, मैं हमेशा बोलता हूँ स्टॉप पायरेसी कर रहे हो, ठीक है मेरा काम है मोरली सही होना, बट ये मूवीज ऐसी होती है ना जिस पर तुम पायरेसी मत ही करो तो बेटर है, क्योंकि हम लोग एक डिजिटल एरिया में जी रहे यार, पूरा डिजिटल एरिया, सारे घर में बैठे रहते हैं, एक मौका मिलता है लोगों को बाहर जाने का, हॉल जाके थिएटर पे मूवी देखने का, तुम उसे क्यों स्पॉइल कर रहे हो, मजाक भी नहीं कर रहा। गेम ऑफ थ्रोन्स और एवेंजर्स पूरी सीरीज, पूरा फ्रेंचाइजी, ये एक मूवी या एक सीरीज नहीं है, ये एक इमोशंस है, और लोगों के इमोशन के साथ खेलना बहुत गलत बात होती है। सो इवन अगर तुम्हारे पास वो लीक फुटेज पड़ी हुई है प्लीज लोगों को भड़काओ मत, ये चाहिए क्या, नहीं चाहिए बे, चलो देख के पूरा मूड खराब कर दिया मेरा,
बट फिर भी मैं ज्यादा एक्साइटेड हो गया कि अब कैप्टन मार्वल देख के निकलते सीधा एंड गेम देखने। तो लेट मी नो कैसा तुम्हारी ओपिनियन है, क्या तुम खुश होगी हाँ लीक फुटेज मिल गया मेरे को मूवी देखने हॉल पे नहीं जाना पड़ेगा 400-500 रुपए बचा लिए मैंने, या तुम मेरी तरह डिसअपॉइंटेड फील करते कि यार तुम लोगों के इमोशन के साथ खेल रहे हो और वो बहुत ही गलत चीज है और मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। बाकी बस इतना ही है आज की वीडियो में, कुछ ट्रेंडिंग था नहीं और ज़ॉम्बी मोड आ गया पबजी में तो वो खेलना इंपॉर्टेंट हो गया भाई, बड़ा कातिल जा रहा है तो देख लेना जो भी है, क्योंकि इसी नोट पे यही नहीं बोलना ये एपिसोड खत्म कर रहे हैं। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया और अगर एंजॉय किया स्मैक दैट लाइक बटन। पापियो कल वाली वीडियो पे तुमने इतने कम लाइक दिया ना, मान लिया तुम हरामी हो, मान लिया तुम ठरकी हो, मान लिया तुम सिंगल और सिंगल ही मर जाओगे, वर्जन मर जाओगे, हर दिन तो तुम क्रश बदल देते हो, हर दिन तुम्हारी किसी और से लड़ाई होती है, हर दिन का रोना रंडी रोना तुम यहां कमेंट सेक्शन में निकालते हो या मेरे डीएम से निकालते हो और मैं पढ़ता हूं। और तुम कितने भी कमीने क्यों ना हो पर तुम मेरे भाई हो, तुम बार बार भूल जाते हो मैंने क्या बोला है। लाइक दो, तुम मुझे लाइक दो, एनर्जी मैं तुम्हें दूंगा, जिंदगी साथ जिएंगे, साथ लड़ेंगे और साथ एक साथ एक नई होप लगाएंगे अच्छी जिंदगी की, और शेयर कर देना। गोल्ड चाहिदा यार, गोल्ड चाहिदा, गोल्ड चाहिदा। अभी के लिए ना कॉफी आपसे अगली कल आ दूंगी कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए पीस आउट। माना दूर है वो कहीं घबराई सी। आज का क्या, किसी के मुस्कुराने की वजह बनो क्योंकि दर्द तो हर कोई दे जाता है। ट्रू स्टोरी ब्रो।